हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा फ्रॉम द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं जीएस के सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स यूपीएससी के लेवल पे लेके आऊंगा। इन द सेम लाइन, दिस इज माय हिस्ट्री नेक्स्ट टॉपिक्स एंड इट इज आल्सो रिलेटेड टू 1757 टू 1857 का पीरियड, और उसमें ब्रिटिश एक्सपेंशन, ब्रिटिश राज का विस्तार, जिसमें अब आज हम लोग, इसके पहले क्लास में हमने कर्नाटक युद्ध की चर्चा की थी, नाउ दैट इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैसूर एंड इट्स रेसिस्टेंस टू ब्रिटिश एक्सपेंशन। मैसूर जो साउथ में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध कर रहा था ब्रिटिश सरकार को, है ना, ब्रिटिश दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी को, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो कैसे वहां पे युद्ध चला है बहुत शॉर्ट में अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने का मैंने कोशिश किया है, जिससे आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। फर्स्ट वार हुआ था बच्चों 1766 से 1769, गॉट इट? 1766 से 1769 हुआ था। इसके कॉजेस क्या थे? तो हैदर्स एम्बिशन to drive the British away from the Karnataka and finally the India. Haider Ali बहुत ही साहसिक, that is leader था, उसने सोचा कि हम ब्रिटिश को कर्नाटक से और पूरे पूरे कंट्री से हटा दें। A tripartite that is alliance against the Haider by British, the Nizam and the Maratha. है ना, हैदर ट्राइपार्टाइट, त्रिपक्षीय समझौता हुआ, है ना, हैदर के द्वारा, अगेंस्ट हैदर, हैदर के खिलाफ कौन कौन से लोग थे? तो ब्रिटिश था, ब्रिटिशर्स थे, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा के बीच में, लेकिन हैदर अली उसमें बहुत सक्सेसफुल रहा है। हैदर सक्सेस इन ब्रेकिंग द अलायंस, अलायंस को तोड़ के, एंड देन ही डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उसने वार छेड़ दिया हैदर अली ने। कोर्सेज में देखो क्या हुआ, लड़ाई में क्या क्या हुई, विक्ट्री ऑफ हैदर एंड हिज अपीयरेंस विद इन 5 miles ऑफ मद्रास इन मार्च 1769, है ना, मद्रास से 5 मील की दूरी तक हैदर का कब्जा हुआ। एंड ऑफ द वार एंड कंक्लूजन ऑफ द डिफेंसिव ट्रीटी हैपेंड इन अप्रैल 1769, उसके बाद कंक्लूजन हुआ, ट्रीटी हुआ, दोनों में समझौता हुआ, हैदर अली और ब्रिटिशर्स में, ट्रीटी ऑफ मद्रास के नाम से फेमस है 1769, व्हाट हैपेंड इन द ट्रीटी साइन बाय द हैदर अली एंड द एलाइज, एलाइज और हैदर अली के बीच में साइन हुआ। एलाइज में कौन कौन थे? कंपनी थी, उसके बाद राजा ऑफ तंजौर एंड द मलाबार के रूलर थे, ठीक है। It provided that इस treaty में क्या हुआ, तो mutual restitution takes place except for the करूर which were to be retained by मैसूर। करूर पर मैसूर का कब्जा बाकी रहा, रह गया, बाकी सारी जीती हुई जमीन ने वापस कर दिया। राजा ऑफ तंजौर was to be treated as the friend and ally of the हैदर अली। इस treaty में ये भी हुआ कि हैदर अली अब तंजौर के राजा को अपना दोस्त मानेगा। ट्रेड प्रिविलेज ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड इंग्लिश फैक्ट्री वर टू बी रेस्टोर्ड, ठीक है ना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बताया था कि मराठों के बीच में एक प्रेसिडेंसी ही ऐसी थी जो कि अंग्रेजों के हाथ में थी, उनका था, बाकी मराठों का राज था, तो इंग्लिश फैक्ट्री को जो प्रिविलेज मिल रहा था उसको रेस्टोर कर दिया गया इस ट्रीटी के द्वारा, गॉट इट। नेक्स्ट आप आ जाइए सेकेंड वार, सेकेंड मैसूर वार 1782-84। इसका कारण क्या था? तो रिफ्यूजल ऑफ द इंग्लिश टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ द डिफेंसिव ट्रीटी विद हैदर व्हेन ही वाज अटैक्ड बाय द मराठा इन 1771 में जब हैदर अली पे मराठों ने अटैक किया, तो ट्रीटी के अनुसार ब्रिटिशर्स को उनको दैट इज डिफेंसिव ट्रीटी के अनुसार उनको डिफेंस देना था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया। हॉस्टिलिटी बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच एलाई ऑफ द हैदर
ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसी समय अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, तो उसमें जो था कि हैदर का एलाइज, हैदर किसके साथ था, फ्रेंच के साथ था, ठीक है ना। तो इंग्लिश और फ्रेंच में हॉस्टिलिटीज थी, विच रिजल्ट इनटू वॉर ऑफ द सेकेंड मैसूर वॉर विद द ब्रिटिशर्स एंड हैदर अली। ब्रिटिश कैप्चर माहे, फ्रेंच सेटलमेंट था, माहे पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। अलायंस बाय हैदर विद निजाम एंड मराठा अगेंस्ट द इंग्लिश इन 1779। पहले ब्रिटिशर्स का मराठों के साथ और निजाम के साथ समझौता हुआ था इसके पिछले वाले लड़ाई में, आपने देखा। अब यहाँ हैदर अली ने निजाम और मराठा के साथ मिलकर और अंग्रेजों के खिलाफ एक अलायंस बनाया, दैट इज इन 1779 में हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ एक समझौता किया, और किसके खिलाफ किया, अंग्रेजों के खिलाफ किया। तो कोर्स लड़ाई में क्या हुआ है, डिफीट ऑफ कर्नल बेली एंड सीजर ऑफ आरकोट बाय द हैदर, है ना। अंग्रेजी सेना को कर्नल बेली के लीडरशिप में जो लड़ रही थी उसको हरा दिया, और हैदर, दैट इज हैदर ने आरकोट पे कब्जा कर लिया 1780 में। मेन पॉइंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन आपको एनडीए में, डिफीट ऑफ द हैदर बाय सर आरकोट एट पोर्टोनोवो। इसके बाद 81 में आरकोट ने, ना ब्रिटिश आर्मी के थे हेड, इन्होंने हरा दिया हैदर को। डिफीट ऑफ द कर्नल ब्रेथवेट बाय द हैदर, अगली साल फिर 1782 में ब्रेथवेट की सेना को हैदर अली ने हरा दिया। कैप्चर ऑफ ब्रिगेडियर मैथ्यू एंड हिज मैन बाय द टीपू 1783, ना 1783 में ब्रिगेडियर मैथ्यू और उसके आदमियों को टीपू ने पकड़ लिया, एंड इट रिजल्ट इनटू कंक्लूजन ऑफ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है ना। बैंगलोर की ट्रीटी बहुत फेमस है, मार्च 1784 में हुई थी, टीपू के बीच में और लॉर्ड मैकार्टनी के बीच में जो गवर्नर था मद्रास का, ठीक है। द कंक्लूजन ऑफ मैंगलोर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द, दैट इज लॉर्ड मैकार्टनी, उस समय सुल्तान नहीं था, हैदर अली था गवर्नर ऑफ मद्रास, इसके बीच ट्रीटी साइन हुआ, एंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 हुआ उसके बाद, ठीक है ना। पहले तो ट्रीटी हुआ, दैट इज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में जो हुआ टीपू सुल्तान और उसके बीच में, तो कोर्स क्या था, व्हाट इज द कोर्स बिटवीन द दीज टू। तो ट्रीटी जो मैंगलोर की ट्रीटी थी उसमें ट्रेड प्रिविलेज ग्रांटेड टू द कंपनी बाय हैदर अली इन 1770 वर टू बी रिस्टोर। 1770 में जो ट्रेड प्रिविलेज दिया गया था, जो व्यापार में छूट दी गई थी अंग्रेजों को, उसको फिर से बहाल कर दिया, दैट इज मैसूर ने, एंड म्यूचुअल रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन बारिंग द फोर्ट ऑफ अम्बुरगुर एंड सतगुर। अम्बुरगुर और सतगुर फोर्ट को छोड़कर बाकी सारे पोजीशन एक दूसरे को वापस कर दिए गए हैं। टीपू अंडरटुक नॉट टू टेक एनी क्लेम ऑन कर्नाटक। टीपू ने यह मान लिया कि अब कर्नाटक पे हमारा कोई दावा नहीं रहेगा। दिस इज द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर दैट इज साइन इन 1784। इतना से काम चल जाएगा आपको, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड बार आ जाइए, 1790 से 1792 हुआ है। टीपू स्ट्रेंथन इन द एंड इंटरनल रिफॉर्म, स्ट्रेंथनिंग एंड इंटरनल रिफॉर्म्स, बहुत टीपू मजबूत बन गया इस बीच में, और आंतरिक उसने बहुत सारे सुधार कार्यक्रम लागू किए। Attempt of Tipu to acquire help of French and Turkey by sending envoy to those countries 1787। ना टर्की में और फ्रांस में टीपू ने अपना दूत भेजा और उनका सहयोग लेने का कोशिश किया, ये सब रीजन था थर्ड वार का। Enlargement of territory by the Tipu at the cost of Raja of Tanjore who was an ally of the British 1789 से, ठीक है ना। तो तंजौर के राजा का जो जमीन था उसको हड़प के और टीपू सुल्तान ने अपना क्षेत्र बनाने का कोशिश किया। देन कंक्लूजन ऑफ एन अलायंस बाय द ब्रिटिश विद निजाम एंड मराठा अगेंस्ट टीपू 1790, ठीक है ना। टीपू के खिलाफ निजाम और मराठों के बीच में संधि हुई है 1790 में अंग्रेजों के साथ।
अंग्रेज इन ब्रिटिशर्स निजाम एंड मराठा अगेंस्ट द टीपू। ठीक है, तो ये सब रीजन था थर्ड वर्ल्ड का। थर्ड वर्ल्ड का कोर्स में क्या हुआ, डिफीट ऑफ द मेजर जनरल मीडोज बाय द टीपू। मेजर जनरल मीडोज को 1790 में टीपू ने हरा दिया। देन एजम्पशन ऑफ कमांड बाय द कॉर्नवालिस। ठीक है ना, उसके बाद कमांड अंग्रेजों की, जब मीडोज हार गया तो उसके बाद कमांड फिर से कॉर्नवालिस को दी गई, है ना, कॉर्नवालिस ने ले ली, मतलब जैन 1791 में। एंड सरेंडर ऑफ सेरिंगपट्टम बाय द कॉर्नवालिस, सरेंडरिंग सराउंडिंग ऑफ द सेरिंगपट्टम बाय द कॉर्नवालिस इन फरवरी 1792 में, फरवरी में कॉर्नवालिस ने सेरिंगपट्टम को चारों तरफ से घेर लिया। साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम मार्च 1792, वेरी फेमस ट्रीटी हुआ था मार्च 1792 में सेरिंगपट्टम की, समझौता कॉर्नवालिस के दैट इज कमांड के चलते। और ये ट्रीटी जो है साइन बाय द टीपू, टीपू के द्वारा 1792 का ट्रीटी है बेटा, साइन दैट इज टीपू के द्वारा। और इंग्लिश एंड देयर एलाइज, एलाइज में कौन कौन थे, तो निजाम और पेशवा। तंजौर के राजा को कुछ नहीं मिला इसमें, नथिंग, उसके नाम पे लड़ाई लड़ी गई थी, बट the major share was distributed among these allies. Tipu was to cede the half of his territories. 1792 की ट्रीटी का सबसे बड़ा क्या है पॉइंट, कि आधी टेरिटरी, उसका आधा क्षेत्र टीपू को छोड़ना पड़ा। शेयर्ड अमंग थ्री एलाइज, जो उसने आधी जमीन छोड़ी उसको तीन एलाइज में, तीन जो सहयोगी थे उसमें बटा। निजाम को उसके एडजेसेंट जो बाउंड्रीज था उसको मिला, निजाम का जो क्षेत्र था उसके आसपास का निजाम को दे दिया गया। निजाम एडजेसेंट टू हिज बाउंड्रीज, उसको शेयर मिल गया। मराठा एडजेसेंट टू देयर बाउंड्रीज, मराठा के अपने आसपास के क्षेत्र को उनको दे दिया गया। एंड कंपनी को नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द रिवर कावेरी, कावेरी नदी के नॉर्थ और ईस्ट पे कंपनी का कब्जा हुआ, और साउथ और वेस्ट जो था वो टीपू को रह गया। टीपू रिमेन इन द साउथ एंड वेस्ट ऑफ द कावेरी रिवर। दिस इज द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम 1792, बहुत ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी था फॉर द टीपू। टीपू वाज टू मेक द इमीडिएट पेमेंट ऑफ रुपीज 1.6 करोड़ आउट ऑफ 3.6 करोड़ ऑफ द एग्रीड इंडेमनिटी। ठीक है ना, समझौता में ये हुआ कि 3.6 करोड़ टीपू देगा, जिसमें 1.6 करोड़ उसको तुरंत देना था। 2 करोड़ वाज टू बी गिवन इन 3 इंस्टॉलमेंट, 1.6 करोड़ तो अभी दे देना था सेरिंगपट्टम की संधि के अनुसार, और उसके बाद 2 करोड़ को उसको 3 इंस्टॉलमेंट में देना था। 2 ऑफ हिज सन वर टू बी डिटेन एज द ब्रिटिश होस्टेज, और वो जब तक पैसा देगा नहीं तब तक उसके तीन में से उसके 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 दो बच्चों को हॉस्टेज, उसके सन को, बेटों को हॉस्टेज बना लिया, बंदी बना लिया अंग्रेजों ने। निजाम ऑब्टेन द लायंस शेयर, निजाम को सबसे ज्यादा उसमें से लूट में से समझौता के अंतर्गत जो प्राप्त किया उसको मिला। मराठा एक्सटेंडेड देयर बाउंड्री टू द तुंगभद्रा एंड कृष्णा, मराठों का क्षेत्रफल बढ़ के तुंगभद्रा और कृष्णा तक चला गया। इंग्लिश कृष्णा नदी, English secured large chunk on the Malabar coast from the north of Kannanur to the south of Ponani River with Coorg as its defensive hinterland. Coorg as its defensive hinterland. Coorg को अपना उसने उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र बनाया जहां कोई अटैक ना कर सके, और मालाबार के तट पर है ना, कन्नानूर के नॉर्थ इलाके में, इन सब में ब्रिटिशर्स का विस्तार हुआ है। दे ऑब्टेन द बारामहल डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज डिंडीगुल। ये क्वेश्चन बार बार आया है कि बारामहल और डिंडीगुल कब प्राप्त हुआ अंग्रेजों को, तो दैट इज ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम। राजा ऑफ तंजौर हुज बिहाफ वॉर हैड बीन फॉट गॉट नथिंग। दैट पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक,
त्रावणकोर के राजा को कुछ नहीं मिला इस ट्रीटी में, एंड देन रिजल्ट इनटू दिस ह्यूमिलेटिंग, जब 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 ट्रीटी होता है, जैसे कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या क्या की जो जो रूपरेखा थी है ना, उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही बना दिया गया था। द सीड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज सोन इन द एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। तो फोर्थ वार हुआ है 1799 में, क्योंकि थर्ड वार में जो शरीफ मट्टब की संधि हुई उसमें ह्यूमिलेशन इतना ज्यादा टिप्पू को मिला कि उसको लगा कि हमको फिर से वापस अपनी टेरिटरी लेनी चाहिए। कॉजेस क्या था? डिजायर ऑफ टिप्पू टू एवेंज एंड हिज सक्सेस इन मेकिंग मैसूर स्ट्रॉन्ग, जो मैं अभी बता रहा हूं तो रहा था कि टिप्पू ने फिर से उस दैट इज बदला लेना चाह, अंग्रेजों से बदला लेना चाह, और मैसूर को उसने काफी ज्यादा अच्छी तरह से फिर से मजबूत बना दिया। टीपू एफर्ट्स टू सीक हेल्प फ्रॉम द फ्रांस एंड मुस्लिम ऑफ द अरब काबुल टर्की, फ्रांस से उसकी टीपू अपने आप को क्या कहता था, सिटीजन टीपू नागरिक टीपू, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे वो ज्यादा प्रभावित था। तो उसने फ्रांस से, मुस्लिम से, अरब से, अरब के मुस्लिम से, काबुल के, अफगानिस्तान, टर्की, इन सबसे हेल्प लिया था। ए स्मॉल फ्रेंच फोर्स लैंडेड एट द मैंगलोर इन अप्रैल 1798 में, यहाँ तक कि फ्रांस की सेना एक छोटी सी टुकड़ी वहां पहुंच भी गई टीपू का साथ देने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ बैलेजली टू रिमूव द टीपू वंस फॉर ऑल, फोर्थ वार का कारण हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बैलेजली ने फाइनल रूप से सोचा कि अब टीपू को हमेशा के लिए शांत कर दो, वो डिटरमाइंड था, बिल्कुल मन बना चुका था। तो ये सब कारण थे फोर्थ वार के, है ना। कोर्स ऑफ एक्शन में फोर्थ वार में क्या हुआ, डिफीट ऑफ टीपू फर्स्ट बाय स्टुअर्ट एट द सेडेसीर के जगह पे, है ना, 5 मार्च को, है ना, टीपू को, है ना, हरा दिया, है ना। डिफीट ऑफ द टीपू फर्स्ट सूरत एट सेडेसीर 5 मार्च को, है ना, सेडेसीर ने हरा दिया टीपू को, पहले सेडेसीर ने हराया 5 मार्च को। देन सेकंड क्या हुआ है, जनरल हैरिस एट मालवेली, है ना, 27 मार्च को दोबारा डिफीट, रिपीट ऑफ टीपू टू रिट्रीट ऑफ टीपू टू सेरिंगपट्टम वेयर ही डाइड डिफेंडिंग इट 4th of May। इसके बाद ये दोनों हार के बाद, है ना, टीपू सुल्तान सेरिंगपट्टम के तरफ अपना रुक किया, कन्फाइन हो गया, और सेरिंगपट्टम को बचाते बचाते 4th May को उसका डेथ हो गया। आर्थर वेलेसली वाज टू डिफीट नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू पार्टिसिपेटिंग। इस लड़ाई की चौथी लड़ाई जो हुई थी सेरिंगपट्टम, दैट इज मैसूर वार, है ना, मैसूर वार जो 1799 थी, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है बेटा, कि आर्थर वेलेजली जो लॉर्ड वेलेजली था उसका भाई था, और उसने नेपोलियन बोनापार्ट को बैटल ऑफ वाटरलू जिसमें नेपोलियन का खात्मा हुआ वहां आ रहा था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। एनेक्सेशन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द मैसूर बाय ब्रिटिश, इस डिफीट के बाद ज्यादातर हिस्सा, ज्यादातर पार्ट को ब्रिटिशर्स ने कब्जा में ले लिया। रेस्टोरेशन ऑफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट टू ए सक्सेसर ऑफ फॉर्मर हिंदू राजा ऑफ द वाडियार डायनेस्टी कृष्णा राजा थर्ड अबाउट 5 years। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ब्रिटिशर्स कंक्वेयर द मैसूर एंड रेस्टोर ए ओल्ड हिंदू राजा नेम दैट इज कृष्णा राजा थर्ड विच हु वाज माइनर एंड ही बिलोंग फ्रॉम द वाडियार डायनेस्टी। ओडियार हिंदू डायनेस्टी जिसको डिथ्रोन करके और हैदर अली वहां का राजा बना था, उसको फिर से वापस ब्रिटिशर्स ने नाम के लिए एक छोटा सा हिस्सा दे दिया। एंड साइनिंग ऑफ ए सब्सिडियरी ट्रीटी बाय द न्यू राजा विद द ब्रिटिश 1799। एक तो माइनर को बनाया और उसके पास आ सब्सिडियरी सहायक संधि की 1799 में। और इस दैट इज राज की खासियत यह है कि 50 ईयर, है ना, पहले तो इसको विलियम बेंटिक ने फिर ओवरटेक किया मिस गवर्नेंस के आधार पर, ठीक है, पहले इसको देख लो। इन 1831 विलियम बेंटिक टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर बिकॉज ऑफ मिस गवर्नेंस।
उसने कहा कि ये जो अडियार डायनेस्टी का है यह सही से शासन नहीं कर रहा है, तो मिस गवर्नेंस के नाम पर, अच्छा शासन नहीं होने के नाम पर, जैसा कि डलहौजी ने मिस गवर्नेंस के बेसिस पे अवध को किया था शामिल, उसी तरह से विलियम बेंटिक के बारे में बताया था कि कोई लड़ाई नहीं लड़ा था, तो उसने 1831 में दैट इज वडियार डायनेस्टी से मैसूर को ले लिया। लेकिन ये बहुत स्ट्रेंज है कि लॉर्ड रिपन रिस्टोर्ड इट टू द राजा इन 1881, 50 ईयर के बाद फिर से राजा को मैसूर का राज मिल गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स में लिट्टन के बाद जो रिपन आया था ही वॉज वेरी वेरी दैट इज जेनरस, और कहा जाए कि जितने रिप्रेसिव मेजर थे लेटर लिट्टन ने अपनाए थे उन सबको उसने ना रिस्टोर कर दिया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज में चेंजिंग आई उसके चलते वाडियार को फिर से वापस ना 1881 में 50 ईयर के बाद वापस मिल गया। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों साउथ इंडिया, कर्नाटक वार, मराठा, मैसूर, वी ऑल वी हैव डन। और इसके बाद अगली क्लास मैं लेके आऊंगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंसिक्वेंट अक्सर दैट इज क्लासेस। हमने कर्नाटक और मैसूर खत्म कर लिया है 1757 से 1857 का पीरियड, दैट इज वेरी सून विल बी एंडेड एंड वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। तब तक इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्प्रेड कीजिए। गुड बाय, थैंक यू बच्चों।